মুম্বাই শহর কি পরিমাণ ক্রাউডেড, ইউরোপে এখনো ট্রাম চলে, শহরের বাহিরের দিকে লাইনগুলোকে এক্সটেনশন করা হচ্ছে। বঙ্গাতেও লক্ষ্য করি যখন হয় যায় হচ্ছে কলকাতাতে অফিস করে তারপর আবার স্বাগতম সবাইকে বিচ রিয়াকশনে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আবারও আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা দেখব ট্রেনের ভিডিও, অ্যাকচুয়ালি মেট্রো ট্রেনের ভিডিও। আমরা আজকে যে ভিডিওটি দেখব আপনাদের সঙ্গে সেই ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে মুম্বাই মেট্রো উইল বি ইন্ডিয়া সেকেন্ড লার্জেস্ট মেট্রো নেটওয়ার্ক। কী বুঝলে এটা দিয়ে? মুম্বাইয়ের মেট্রো রেলটা অনেক বড় হবে। আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল লাস্টলি থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওটি আমাদের ভিডিও নিচে লিংক ডিসক্রিপশন থেকে দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখাস। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कनेक्टिविटी इंप्रूव करना। प्रेजेंटली ये देश का 12वां सबसे लंबा और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। नागपुर मेट्रो के बाद 11.4 किलोमीटर की एक लाइन अभी ऑपरेशनल है, मगर इसमें जल्द ही काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जिससे ये देश का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। अभी 180 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसके बनने से रोड्स पर ट्रैफिक कंजेशन कम होगी, साथ ही ओवरक्राउडेड लोकल ट्रेन्स को भी राहत मिलेगी। इन लोकल ट्रेन्स में जिसको मुंबई सबर्बन रेलवे भी कहते हैं, इनमें एक दिन में 70 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। 1853 में शुरू हुई थी, आज से 168 साल पहले। इसकी 7 लाइंस अभी ऑपरेशनल हैं, टोटल 427 किलोमीटर की लेंथ के साथ। वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, निरुल उरन लाइन, इसके अलावा दो और लाइंस हैं जो इस मैप में नहीं है, पनवेल वसई लाइन और पनवेल करजत लाइन। मुंबई की पॉपुलेशन में काफ़ी ग्रोथ हुई पिछले 20-30 सालों में, जिससे रोड्स पर कंजेशन बढ़ने लगी। सिटी की ट्रैम्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1964 में, जिससे लोकल ट्रेन्स पर प्रेशर बढ़ा। ये इलेक्ट्रिक ट्रैम्स 1907 में शुरू हुई थी, जिसे बेस्ट ऑपरेट करती थी। 1935 में अपनी पीक पर 47 किलोमीटर लंबा ट्रैम नेटवर्क था सदर्न बॉम्बे में, ग्रैंड रोड, पायधोणी, गिरगांव, बायकला ब्रिज, ससून डॉक और किंग सर्कल को आपस में कनेक्ट करता था। दादर में मेन ट्रैम टर्मिनस था। आज भी इस जगह को दादर टीटी के नाम से जाना जाता है। टीटी मतलब ट्रैम टर्मिनस। 1964 में ट्रैम्स के बंद होने के बाद सिटी में कोई भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं बचा। लोकल ट्रेन्स थी मगर उनको रैपिड ट्रांसपोर्ट समझकर नहीं बनाया गया था। नए फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी जिसमें स्टेशन 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हों। इसीलिए 1975 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA को स्थापित किया गया। इसका काम था प्लान्स और पॉलिसीज बनाना, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना जिससे मुंबई की ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और इन्वायरमेंट में सुधार आए। मेट्रो और BRT बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बनाने की प्लानिंग हुई। जहां ये दोनों ही नहीं बन सकते वहां मोनोरेल बनाई जानी थी। 2008 में मेट्रो की और 2009 में मोनोरेल की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। मोनोरेल की पहली लाइन खुली फरवरी 2014 में चेंबूर से वडाला तक। चेंबूर में लोकल ट्रेन की हार्बर लाइन के साथ भी इसे लिंक किया गया। ये पूरी एलिवेटेड लाइन थी 8.9 किलोमीटर लंबी और 7 स्टेशन के साथ। 1,100 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। उसी साल जून में मेट्रो लाइन 1 भी पब्लिक के लिए खोल दी गई थी। ये 11.4 किलोमीटर लंबी लाइन है 12 स्टेशन के साथ, वर्सोवा से घाटकोपर तक। 2 स्टेशन को लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया है। पूरी लाइन की कॉस्ट थी लगभग 4,300 करोड़ रुपए। इस लाइन को MMOPL प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है। MMOPL जॉइंट वेंचर है MMRDA, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और RATP ट्रांसडेव फ्रांस के बीच। मार्च 2019 में मोनोरेल को आगे एक्सटेंड किया गया 11.2 किलोमीटर से जेकब सर्कल तक। इसे लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया है। 1900 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने के लिए। ये प्रेजेंट ऑपरेशनल नेटवर्क है मेट्रो और मोनोरेल का, मगर मेट्रो लाइंस 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और लाइंस 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अभी प्लान्ड है। इनमें से कुछ लाइन्स अप्रूव भी हो चुके हैं। इसके अलावा नवी मुंबई की मेट्रो लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और थाने मेट्रो बनाने का प्लान चल रहा है। मुंबई मेट्रो की सारी लाइन्स को कलर कोडेड कर दिया है MMRDA ने। अब हर लाइन एक नंबर और कलर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। मेट्रो लाइन 1 है ब्लू। अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन्स की बात करते हैं। लाइन 2 येलो,
इसको दो फेजेस में बनाया जा रहा है, 2A और 2B में। 2A 18.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है दहिसार से डीए नगर तक। इसमें 17 स्टेशन होंगे और इसको लाइन 1 से भी लिंक किया जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू हुई थी और मई 2021 में खुलने की उम्मीद है। बनाने में लगभग 6400 करोड़ रुपए लगे हैं। 2B 23.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा डीए नगर से मंडला तक। 22 स्टेशन होंगे इसमें, लोकल ट्रेन और मोनोरेल से भी लिंक होगा। कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 में खुलने की उम्मीद है। लगभग 11000 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में। लाइन 3 एक्वा, ये पूरी लाइन अंडरग्राउंड होगी, 33.5 किलोमीटर लंबी, 27 स्टेशन के साथ। अच्छा। कफ परेड से आर्य कॉलोनी तक जाएगी, बांद्रा और एयरपोर्ट से होते हुए लाइन 1, लाइन 2, मोनोरेल और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। इसकी डेडलाइन दिसंबर 2021 की रखी गई है। कॉस्ट है लगभग 26000 करोड़ रुपए। लाइन 3 बाकी लाइंस की तरह फुली MMRDA के अंडर नहीं है, बल्कि इसको MMRCL मुंबई मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड बनवा रही है। MMRCL एक स्पेशल जॉइंट वेंचर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच सिर्फ इस लाइन के लिए। सिर्फ लाइन 1 और 3 को छोड़ के बाकी सारी लाइंस MMRDA के अंडर आती हैं पूरी तरह से। लाइन 4 ग्रीन, ये पूरी लाइन एलिवेटेड होगी, इसको दो पार्ट्स में बनाया जा रहा है, 4 और 4A। मेन लाइन वडाला से कासार वडवली तक होगी और इसकी एक्सटेंशन 4A आगे गायमुख तक होगी। ये एक ही लाइन के पार्ट्स हैं, 35 किलोमीटर की टोटल लेंथ है 34 स्टेशन के साथ। इसकी कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 तक खुलने की उम्मीद है। एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 16000 करोड़ रुपए। ये लाइन मुंबई को थाने से कनेक्ट करेगी, लोकल ट्रेन्स, मोनोरेल और मेट्रो लाइन 2 से भी लिंक होगी। लाइन 5 ऑरेंज, ये 24.9 किलोमीटर लंबी लाइन होगी, थाने में कापूर बावड़ी से शुरू होगी, मुंबई से होते हुए कल्याण खत्म होगी 17 स्टेशन्स के साथ। लाइन 4 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और 2022 की डेडलाइन रखी है खुलने की। बनने की कॉस्ट होगी लगभग 8400 करोड़ रुपए। लाइन 6 पिंक, ये 14.5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी लोखंडवाला के SS नगर से विक्रोली तक। इसमें 13 स्टेशन होंगे। लाइन 2, 3, 4 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक खुलने की उम्मीद है। बनने की कॉस्ट है लगभग 6700 करोड़ रुपए। लाइन 7 इस लाइन को दो पार्ट्स में बनाया जा रहा है, 7 और 7A। मेन लाइन होगी 16.5 किलोमीटर लंबी, दहिसार ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक, 14 स्टेशन के साथ। इसकी एक्सटेंशन 7A 3.2 किलोमीटर लंबी होगी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, 2 स्टेशन के साथ। ये लाइन ज़्यादातर रूट के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ चलेगी। लाइंस 1, 6 और 2 से भी लिंक की जाएगी। मेन लाइन की डेडलाइन मई 2021 की है और 7A की डेडलाइन 2022 की है। दोनों को मिला के कॉस्ट होगी लगभग 7000 करोड़ रुपये। लाइन 9 रेड, इसको लाइन 7 की एक्सटेंशन भी कहा गया है। इसका कलर भी सेम रखा गया है लाइन 7 से। ये मीरा भाईंदर को मुंबई से कनेक्ट करेगी। इसकी लेंथ होगी 10.3 किलोमीटर और इसमें 8 स्टेशन होंगे। एक ब्रांच भी बनाई जाएगी 1.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक तक, इसमें 2 स्टेशन होंगे। लाइंस 2, 7 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। लगभग 6500 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में और 2024 में खुलेगी पब्लिक के लिए। इनके अलावा नवी मुंबई की पहली मेट्रो लाइन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है 11.1 किलोमीटर लंबी लाइन CBD बेलापुर से पेंडार तक, 11 स्टेशन के साथ। लोकल ट्रेन से भी लिंक होगी CBD बेलापुर में। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुई थी और 2016 में खुलने का प्लान था, मगर कई बार डिलेज होने के बाद अब इसकी डेडलाइन 2021 की रखी गई है। इसकी कॉस्ट 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको इसको बनवाने का काम कर रही है। सिडको पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आती है। पूरा होने के बाद फ्यूचर में इस लाइन को आगे एक्सटेंड करने का भी प्लान है। ये हैं सारी मेट्रो लाइंस जो कि अभी ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सब के खुलने के बाद मुंबई मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 193 किलोमीटर। इससे ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा दिल्ली मेट्रो के बाद। इन सब लाइंस की डेडलाइन 2024 और उससे पहले की हैं। कुछ लाइंस तो इसी साल खुल जाएंगी। ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस की टोटल कॉस्ट होगी लगभग 90000 करोड़ रुपए, जो कि इसे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना देगा। इनके अलावा कुछ लाइंस प्लान्ड भी हैं, जैसे कि लाइन 8, 10, 11, 12, 13 और 14। इनमें से कुछ लाइंस अप्रूव भी हो चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी 1-2 सालों में। मुंबई में ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिलेगी, साथ ही लोकल ट्रेन्स में ओवरक्राउडिंग कम होगी, रेजिडेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगी।
ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। আমরা আসলে মেট্রোতে যাওয়ার আগে লোকাল ট্রেন নিয়ে কথা বলি, কেননা লোকাল ট্রেনে 70 লক্ষ লোক প্রতিদিন মুভমেন্ট করে। তুমি বুঝতে পারছো কি পরিমাণ লোক মুভমেন্ট করে? অনেক অনেক বেশি, অনেক বেশি। তার মানে মুম্বাই শহর কি পরিমাণ ক্রাউডেড এবার বুঝতেই পারছো। কিছু প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভালের অপেক্ষায় আছে, তো কিছু অলরেডি কিন্তু তারা অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে। আর এই মুহূর্তে মেট্রো চলছে এরকম হচ্ছে একটা লাইন, সম্ভবত যতদূর বুঝতে পারলাম যে একটা লাইন চলছে, আর অনেকগুলো 2021-এর মধ্যে ওপেন হয়ে যাওয়ার কথা। আর মনোরেলটা আমার কাছে ভালো লেগেছে, মনোরেলটা আমার কাছে এমনিতেও ভালো লাগে, যেমন মালয়েশিয়াতে আমি এটাতে চড়েছি। তো এটা একটাই লাইন অলরেডি রানিং আছে এবং এটা এক্সটেনশন চলছে। আর এইভাবে যদি অনেকগুলো মেট্রো চালু হয়ে যায় মুম্বাইতে, তখন একটা আসলে নেটওয়ার্কের মতো হয়ে যাবে, যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকে যখন মুভমেন্ট করতে যাবে কারোর জন্য কঠিন হবে না, যেটা এখন হচ্ছে। কেননা মুম্বাই যে ট্রাম সিস্টেমটা ছিল সেটা কিন্তু অনেক আগে অফ করে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমরা দেখি যে ইউরোপে এখনও ট্রাম চলে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু সত্য যে ইউরোপের ট্রামগুলো কিন্তু এখনও চলছে, কিন্তু আমাদের বলবো যে কলকাতা বা কলকাতারটাও চলছে, কিন্তু অত বেশি ভাবে না, অল্প অল্প করে চলে, চলছে না। তো আমার কাছে মনে হয় যে ট্রাম একটা ঐতিহ্য বলবো, এটাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়াটাও উচিত হয়নি মনে হয়, এটা আসলে কিছুটা হলেও চালু রাখা উচিত ছিল। যাই হোক, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এতগুলো প্রজেক্ট, এত খরচ, এতে মানুষের লাইফস্টাইল, যেমন উনিও বলছিলেন লাস্টের দিকে যে মানুষের লাইফস্টাইলে কিন্তু পরিবর্তন আসবে, এবং তাছাড়া যে তারা সবসময় কিন্তু যে লোকাল ট্রেনের যে যাতায়াতের যে ভিড়টা থাকে, অনেক অ্যাক্সিডেন্টও আমরা শুনেছি নিউজ পেপারে, তো সেটা অনেকটা কমে যাবে আমার কাছে মনে হয়। হ্যাঁ, আর এই লোকাল ট্রেনের প্রেশার কমানোর জন্য আসলে এইসব যায়। আরেকটা কথা হচ্ছে যে শহরের ভিতর থেকে শহরের বাহিরের দিকে লাইনগুলোকে এক্সটেনশন করা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে শহরের ভিতরের যে চাপটা আছে সেটাও অনেকাংশে কমে আসবে। সেই ক্ষেত্রে শহরের ভিতরে যারা অল্প আয়ের মানুষ তারা যখন বসবাস করতে চায়, তখন আসলে যে খরচটা, সেই খরচটা তাদের পক্ষে আসলে বেয়ার করাটা কঠিন হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে যখন তারা শহরের বাহির থেকে ইজিলি শহরে মুভমেন্ট করতে পারবে, তখন তারা বাহিরে অল্প খরচে থাকতে পারবে। এটা আসলে জনগণের জন্য অনেক ভালো একটা বড় একটা দিক, মানে তারা বাহিরে থেকে এসে এখানে কাজ করে আবার বাহিরে চলে যাবে। যেমন আমরা কিন্তু বনগাঁতেও লক্ষ্য করি, যখন বনগাঁ ট্রেনে দেখেছি যে অনেক মানুষ একসঙ্গে সবাই যায় হচ্ছে কলকাতাতে অফিস করে, তারপর আবার ওখান থেকে ব্যাক করে। তো এটা আসলে এরকমই একটা ব্যাপার হবে, তখন আর মানুষের জীবনযাত্রার মান তো উন্নত হবেই। তো ওভারঅল যা বুঝতে পারলাম যে দিল্লির পরেই হচ্ছে মুম্বাই মেট্রো রেল লার্জেস্ট নেটওয়ার্ক হবে যখন সবগুলো প্রজেক্ট শেষ হবে। তো ভিডিওর ইনফরমেশনটি আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।